मेरी गाड़ी का शक्ल देखे वो कितना तब्दील हो गया, लेकिन ये बात है कि मैंने जंजीरें लगाई है। आपको मैं दिखा दूँ, जंजीरें लगी हुई है। तो अभी हम निकलेंगे इंशाल्लाह, और ये बर्फ़ हटाना मेरा काम है। क्या किया जाए, ये सुबह से अभी तक तकरीबन कोई 5 इंच बर्फ मजीद जो है ना बर्फबारी हुई है। वो बहरहाल ठीक है, हम भी इंजॉय कर लेते हैं, आप भी इंजॉय करें, लेकिन मेरी गाड़ी का शक्ल बिल्कुल तब्दील हो गया है। चले चलते हैं आगे। अगर आप टायरों को जंजीरें लगा लेते हैं तो फिर तो ठीक है, तो जंजीरें ना हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। थोड़ा ध्यान रहे, हमने चूंकि जंजीरें लगाई है तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बग़ैर जंजीरों की भी आप चला सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा ख़तरनाक होगा, तो ज़रूरी है कि आप जंजीरें लगाएं, लेन के तहत आए ताकि आपका सफ़र खुशगवार हो, आप इंजॉय कर सकें। अगर आप गाड़ी को धक्के लगाएंगे और इधर करेंगे उधर करेंगे तो क्या फ़ायदा, और अगर आप टैक्सी वगैरह लेके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जंजीरों की वजह से सफर जारी है। शदीद बर्फबारी में सफर जारी, लेकिन यह है कि रोड को खोल दिया है, गाड़ी को क्रॉस करने में मुश्किल पेश आएगी, लेकिन बहरहाल पहले मरहले में उन्होंने ये कर दिया है कि रोड को साफ कर दिया है। गाड़ी आप देख सकते हैं, वाह क्या बात है। सामने अगर आप गाड़ी देखें थोड़ा सा मैं करीब कर लेती, इसको ऑटो कर लिया है तो ये चढ़ाई मुश्किल है, इस वजह से वो चढ़ नहीं सकते, तो बस यही सूरत हाल है। जिन गाड़ियों के टायरों को जंजीरें नहीं है तो उनको मुश्किलात है, और ये सूरत हाल है। गाड़ी को ऑटो कर दिया है, इनके पास जंजीरें नहीं है तो फोर व्हील गाड़ी के साथ उन्होंने अटैच कर दिया है, हमारे गाड़ी को जंजीरें है, हमने लगा है। क्या कहेंगे, गाड़ी को कोई मसला है? ये नहीं चढ़ रहा है, स्लिपिंग हो रहा है ना। अच्छा, चेन लगाई, जो चेन लगाया है। अच्छा, अभी यहाँ पे चढ़ाई है, चढ़ाएंगे। सही सही सही, आगे रास्ता ठीक है? हाँ आगे सही है रास्ता। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं काफी तादाद में अभी भी लोग आ रहे हैं। ये जंजीरों वाले भी यहाँ पर मौजूद है। जंजीर कितने का लगा रहे हैं आप लोग? 500 रुपए। 500 रुपए दो चढ़ाई, 500। हाँ। बहुत ही कम है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मौजूद होती, जहाँ आपकी गाड़ी फंस जाती है तो आपने टायरों को जंजीरें लगानी है। ये ऑटो से बेहतर है कि जंजीरें लग जाए। अब्दुल्ला ड्राइविंग कर रहे हैं।
मेरा बेटा, शेर बेटा। आप देख सकते हैं कि बर्फबारी खूब जारी है और सयाह इस चीज़ को भी इंजॉय कर रहे हैं। सामने मैं आपको थोड़ा सा दरे स्वाद पिशमाल के मुकाम पर हम मौजूद हैं। पिशमाल ये ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, मुझे चीख रहे हैं, आपने नहीं जाना है। क्या बर्फ खा रहे हैं? पंजाब लेके जा रहे हैं। रैकेट क्या खुआ बना रही है? पर अगर आप देखें तो कोई इशू नहीं है। अगर आपकी गाड़ी के टायरों को जंजीरे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपर्टी भी होनी चाहिए कि आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो तो आप बेहतरीन तरीके से फिर गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी मतलब अनजान ड्राइवर है वो आखिर मतलब मसला जो है ना वो बना देता है। तो बहरहाल देखते हैं आज क्या हो जाता है। ये हमारा जो सफर है ये कितने घंटों पर मुहित होगा पता नहीं। आगे आपको दिखाते हैं मसला क्या है आगे, तो थोड़ा सा साथ रहे क्योंकि यहाँ पर तो गाड़ी खड़ी है काफ़ी तादाद में और मुझे लग रहा है कि हालात कुछ गड़बड़ है। जी जी, यहाँ पर हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। रास्ता बंद है, कुछ मुश्किल है कि नहीं है? हाँ, थोड़ी सी है मुश्किलात, थोड़ी सी है जी। लेकिन बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं? जी, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो सर आप क्या कहेंगे, मतलब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बर्फबारी में? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, सही, माउंटेन्स बहुत खूबसूरत है, बर्फ बहुत खूबसूरत। आप कहाँ से आए? यूके से आए हैं। ठीक ठीक ठीक, तो आप क्या कहेंगे सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत जबरदस्त एरिया है, लोग बहुत जो है ना कोऑपरेटिव है। हमें तो बिल्कुल आइडिया, बिल्कुल कोई फील नहीं हो रहा कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। होटल वगैरह और यहाँ जी, जी बिल्कुल, हम लोग जी नेचर रियाज का जो है वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। बेशक जो है नेचर है और ह्यूज स्नो फॉलिंग हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं जी, क्योंकि लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हर जगह पर हमें कोऑपरेट किया उन्होंने और इसी तरह हमारा सफर गुजरा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। क्या मसला है आगे? आगे तो ये गाड़ियां फंसी हुई है, रोड ब्लॉक हुआ है। कौन सा, क्या वजह, क्या है वजह? ये छोटा गाड़ी नहीं चढ़ सकते, उसको पीछे ठोक करके खींचते हैं, वो भी नहीं चढ़ते, मुसीबत है, मुसीबत बन गया है। चलो ठीक है, ठीक है। तो टायरों को जंजीरें लग रही है तो फिर ठीक हो जाएगा, अगर टायरों को जंजीरें ना हो ना तो फिर मुश्किल तो है। तो एक गाड़ी की वजह से फिर लाइन जो है ना कतारें लग जाती है, वजह ये है कि वो टायर को जंजीरें नहीं होती, तो ये मुश्किलात है। बारी सब पे बारी, बारी सब पे बारी। ये रोड को साफ नहीं किया गया जिस तरह रोड को साफ होना चाहिए, वो सफाई जो है ना वो नहीं है। बर्फ हटाने का काम ज़रूरी था, महकमे मौसमियात ने पहले से पेशगोई की थी, तो इंतज़ामिया को चाहिए था, ख़ासकर NHA के हवाले से मैं कहूँगा कि वो रेड अलर्ट होते और रास्ते को साफ करते, सड़क को साफ करते, लेकिन उन्होंने सड़क को साफ नहीं किया, किया है लेकिन बहुत कम है। रोड को साफ नहीं किया गया पूरा ना, तो गाड़ियों का क्रॉस करना मुश्किल है अभी। तो ये सूरत हाल है, अगर आप देखें तो आमने सामने गाड़ियां जो है ना वो आ गई है और अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। साफ किया है लेकिन ना होने के बराबर,
खैर दे, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो पावर वाली गाड़ी है कैसे वो बनाते हैं, ट्रैक बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। दारोड वाले सपाके ही। अस्सलाम वालेकुम संगल लजखी। अभी ये लाई कोट तक ये गाड़ी ट्रैक्टर पहुंच गए हैं, तो ये पहले से मतलब कलाम से शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को वापस आने में मुश्किल ना होना। वहाँ पर बर्फ़बारी भी ज़्यादा पड़ती है। गाड़ी है और चूंकि गाड़ी के टायरों को जंजीरें भी नहीं है, तो बस यही है कि जंजीरें होनी चाहिए ना। हालांकि ये छोटा गाड़ी आराम से जा सकता है, लेकिन अगर जंजीरें हो तब। ये अगर आप देखें तो रास्ता तो उन्होंने साफ किया है एक दफा, लेकिन दोबारा उन्होंने साफ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जिस रफ्तार से बर्फबारी का सिलसिला जारी है तो ये बार बार साफ करना चाहिए। और जितने भी मतलब सयाह आ रहे हैं तो इनको चाहिए कि गाड़ी के ठेरों को जंजीरें हो। लेकिन जो कालाम में सयाह रुके हैं वो वापस आ रहे हैं, तो इन बेचारों को तो पता नहीं था इतनी शदीद बर्फबारी होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे निकल आ रहे हैं और कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ये सड़क को जो है ना वो बर वक्त खोलने के लिए इकदाम होनी चाहिए। पेशगोई पहले से की गई थी महकमे मौसमियात की जानिब से, गूगल की जानिब से, और बताया गया था कि ये जो दो दिन तीन दिन है ये हैवी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है, तो उसी हिसाब से मेरा ख्याल में इंतज़ामिया को इस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। अभी मैंने पीछे दो ट्रैक्टर देखे तो एक के पास वो टायरों को जंजीरें भी नहीं लगी थी, तो वो अपने आप को नहीं निकाल सकता था, तो वो रोड को कैसे साफ कर सकते हैं। और दूसरा ठीक था, लेकिन ये दो ट्रैक्टरों का काम नहीं है, और ख़ासकर असरेज से लेकर कालाम तक ये वाला एरिया जो है ना वो साफ जल्दी साफ करना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त शदीद बर्फबारी जारी है, और मेरा ख्याल है कि आगे अगर आप आते हैं तो एहतियात ज़रूर करें। टायरों को जंजीरें हो ना तो फिर आप मतलब महफूज है, टायरों को जंजीरें ना हो तो फिर वो मसला फिर गाड़ी कर लेता है। अभी हमारे पास गाड़ी को टायरों को जंजीरें लगी है, तो हम बिलाखों को ख़तर सफ़र कर रहे हैं। गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते, दो गाड़ी आमने सामने जब आ जाती है तो ये इशू जो है ना वो बन जाता है। ये अब मांग्याल से नीचे NHA के ट्रैक्टर यहाँ पर हमने तीन देखे, लेकिन इनकी टायरों को जंजीरें नहीं है, तो ये उसी तरह सफाई नहीं कर सकते जिस तरह होनी चाहिए ना। अगर एक घंटे में ये एक किलोमीटर साफ करते हैं, अगर जंजीरें हो तो फिर दो साफ कर सकते हैं, तीन साफ कर सकते हैं। तो जंजीरें ना होने की वजह से इसके काम की रफ्तार जो है ना वो स्लो है, और मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं है। NHA को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सामने चढ़ाई अगर आप देखें तो यहाँ अभी तो बर्फबारी हुई है, लेकिन बर्फबारी के बाद भी ये इसी तरह जो है ना वो रहता है, तो बहरहाल एहतियात की ज़रूरत है। तो यहाँ कुछ गाड़ियों ने यहाँ पर पैरों से जंजीरें उतारी, तो यही वो मसला फिर कर लेता है ना। तो
हमने नहीं उतारी ताकि हम यहाँ पर आराम से चढ़ सकें।